अच्छी बॉडी तो हर कोई बनाना चाहता है, पर पैसे न होने की वजह से लोग सोचते हैं कि हम अच्छी बॉडी नहीं बना सकते, क्योंकि उनका सोचना है कि बॉडी उन्हीं की बनती है जिनके पास पैसे हैं, जो एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि वो सोचते हैं कि बॉडी बनाने के लिए महंगे महंगे सप्लीमेंट्स खरीदने पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे कि बिना सप्लीमेंट्स के आप अपनी डाइट में क्या क्या शामिल कर सकते हैं जिससे आप भी अच्छी बॉडी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी हेल्थ, फिटनेस, ब्यूटी, डाइट, बॉडी बिल्डिंग और सप्लीमेंट्स की रियल इन्फॉर्मेशन, ढेर सारी होम रेमेडीज और कई मोटिवेशनल वीडियोज़। तो फ्रेंड्स, बिना सप्लीमेंट्स के आपको अपनी डाइट में क्या क्या शामिल करना चाहिए जिससे आप भी अच्छी बॉडी बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, बॉडी बनाने के लिए सबसे पहले बात आती है प्रोटीन की, क्योंकि कार्ब्स की क्वांटिटी तो आप आसानी से पूरी कर सकते हैं। कार्ब्स आपको रोटी, चावल, दालें, ब्राउन ब्रेड, ओट्स, दलिया जैसी चीज़ों में पूरा मिल जाता है, जो कि सारी चीज़ें आपके किचन में अवेलेबल हैं, पर प्रोटीन पूरा करना मुश्किल हो जाता है। तो आज बात करेंगे कि किस तरह से आप अपनी प्रोटीन की क्वांटिटी पूरा कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको प्रोटीन चाहिए कितना। प्रोटीन आपको अपने वेट के हिसाब से चाहिए। प्रोटीन आपको अपने वेट से 1.5 से 2 ग्राम पर केजी चाहिए होता है। जैसे अगर आपका वेट 60 केजी है तो आपको लगभग 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए। तो बात करेंगे कि 100 ग्राम प्रोटीन आप घर की किन चीज़ों से पूरा कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं कि किन चीज़ों से आपको कितना प्रोटीन मिलता है, ताकि आप अपने हिसाब से अपनी हर मील में इन चीज़ों को शामिल कर सकें। नंबर 1, किडनी बीन्स, मतलब राजमा। उबले हुए 100 ग्राम किडनी बीन्स में आपको 9 ग्राम प्रोटीन, 0 ग्राम फैट, 22 ग्राम कार्ब्स और 124 कैलोरी मिलती है। नंबर 2, स्मॉल बीन्स। उबले हुए 100 ग्राम स्मॉल बीन्स में आपको 9 ग्राम प्रोटीन, 0 ग्राम फैट, 25 ग्राम कार्ब्स और लगभग 140 कैलोरी मिलती है। नंबर 3, सोया बीन्स। उबले हुए 100 ग्राम सोया बीन्स में 15 ग्राम प्रोटीन, 8 ग्राम फैट, 8 ग्राम कार्ब्स और 165 कैलोरी मिलती है। नंबर 4, चिकपीज। 100 ग्राम उबले हुए चने में आपको 8 ग्राम प्रोटीन, 2 ग्राम फैट, 27 ग्राम कार्ब्स और 160 कैलोरी मिलती है। अगर आप रात को पानी में भिगोकर चने खाएं तो उसमें आपको 20 ग्राम प्रोटीन, 6 ग्राम फैट, 62 ग्राम कार्ब्स और 380 कैलोरी मिलती है। नंबर 5, लेंटिल्स। 100 ग्राम उबली हुई दाल में आपको 9 ग्राम प्रोटीन, 0 ग्राम फैट, 20 ग्राम कार्ब्स और 115 कैलोरी मिलती है। नंबर 6, पीनट्स। 100 ग्राम मूंगफली से आपको 25 ग्राम प्रोटीन, 40 ग्राम फैट, 16 ग्राम कार्ब्स और 567 कैलोरी मिलती है। नंबर 7, मिल्क। 1 गिलास दूध से आपको 10 ग्राम प्रोटीन, 17 ग्राम फैट और 13 ग्राम कार्ब्स मिलते हैं और कैलोरी लगभग आपको 242 मिलती है। नंबर 8, एग्स। 1 उबले अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन, 5 ग्राम फैट और 0.50 ग्राम कार्ब्स मिलते हैं और कैलोरी आपको लगभग 70 मिलती है, जिसके एग योक में 2 ग्राम प्रोटीन और एग वाइट में 4 ग्राम प्रोटीन होता है। नंबर 9, पनीर। 100 ग्राम पनीर से आपको 18 ग्राम प्रोटीन, 20 ग्राम फैट, 2 ग्राम कार्ब्स और 260 कैलोरी मिलती है। नंबर 10, सोया चंक्स। 100 ग्राम उबले हुए सोया चंक्स में आपको 52 ग्राम प्रोटीन, 1 ग्राम फैट और 37 ग्राम कार्ब्स मिलते हैं। नंबर 11, पीनट बटर। 1 चम्मच पीनट बटर में आपको 6 ग्राम प्रोटीन, 10 ग्राम फैट और 3 ग्राम कार्ब्स मिलते हैं और कैलोरी लगभग 200 मिलती है। तो फ्रेंड्स, इन चीज़ों को आप अपने हिसाब से हर मील में शामिल कर सकते हो। अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि किस चीज़ में कितना प्रोटीन होता है। तो हर मील में आप 20 ग्राम के आसपास प्रोटीन रखें। जैसे आप 5 मील लेते हैं तो हर मील में 20 ग्राम प्रोटीन लें तो आपका 100 ग्राम प्रोटीन आराम से पूरा हो जाएगा। ऐसे सुबह आपने ओट्स के साथ एग्स खा लिए। अगर आप एग्स नहीं खाते तो आप रात के भीगे हुए चने खा सकते हैं। दोपहर को लंच में आपने दाल राजमा खा लिए। रात को पनीर या सोयाबीन खा ली। और स्नैक्स में दोपहर को या शाम को आप पीनट बटर सैंडविच खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह थोड़ा सा दिमाग लगा कर आप घर की डाइट से ही एक दिन में 100 से 125 ग्राम प्रोटीन आराम से पूरा कर सकते हो, जो एक अच्छी बॉडी बनाने के लिए बहुत है। तो फ्रेंड्स, अब तो आप समझ गए होंगे कि बॉडी बनाने के लिए सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं, आप घर के खाने से ही अपने प्रोटीन की क्वांटिटी को पूरा कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो कि किस तरह से आप बिना सप्लीमेंट्स के कौन कौन सी चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करके प्रोटीन की क्वांटिटी को पूरा कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ।
जिसे देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय दोस्तों।